जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक बार फिर से रीजनिंग में हम डायरेक्शन के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो लगभग 5 या 6 टाइप के जो हमारे डायरेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं, दिशा से रिलेटेड जो आपके रीजनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। ऐप के ऊपर हमारी ये पेड क्लास लाइव चल रही है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे पेड क्लासेस में जुड़े हैं वो सभी साथ साथ में नोट्स बनाते चलें, ताकि जो भी आपके डाउट रहते हैं वो एक ही बारी में सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले डायरेक्शन के चैप्टर में हमें ये पता होना चाहिए कि दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य रूप से 4 प्रकार की ही दिशाएं होती हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर आपको कवर करवाने की ट्राई की है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास डायरेक्शन रहती है, ये हमारा एक मिड पॉइंट है, यहाँ से कोई भी डायरेक्शन खींची जाती है। ये इस तरफ जो है वो ईस्ट है, ये है आपके पास वेस्ट यानी कि पश्चिम, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ है साउथ यानी कि दक्षिण। जब भी आप क्वेश्चन करें, सबसे पहले ये 4 डायरेक्शन जो है वो आप बना के चलें, और जो पूर्व और उत्तर के बीच डायरेक्शन आती है उसको उत्तर पूर्व बोला जाता है, वैसे ही उत्तर को नॉर्थ और पूर्व को ईस्ट। तो ये डायरेक्शन बन गई नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी बताया गया है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच जो डायरेक्शन रहेगी उसको हम नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानेंगे। तो आई होप आपको हल्का सा डायरेक्शन के बारे में पहले से ही नॉलेज है। उसके बाद इसमें जो इसका सेकेंड टाइप का जो इसमें क्वेश्चन जो है वो बनता है, वो आपका बनता है दाएं और बाएं से। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दाएं की बात की जाती है तो उसका मतलब होता है राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होती है। क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश के, उनको हिंदी में किसी को पता नहीं चलता, किसी को इंग्लिश में पता नहीं चलता, ठीक है। तो लेफ़्ट और राइट को जो है वो आपको ध्यान में लेके चलना है क्वेश्चन में। उसके बाद एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, ये तो मैंने पहला वाला चीज़ आपको बता दी, सेकेंड में क्या है कि ये जो कोई मिड पॉइंट है, जब भी हम यहाँ से अपना एक राइट मान के चलते हैं तो हम राइट इस तरफ पूर्व को मानते हैं और पश्चिम को हम अपना लेफ्ट मान के चलते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बोला गया कि मुझे दाएं जाना है एंगल के अकॉर्डिंग, तो दाएं जब भी मैं जाऊंगा तो इस प्रकार से जाऊंगा, इस दिशा में, और जब मैं लेफ्ट से बोलूंगा कि मेरे को क्या करना है, लेफ्ट से जाना है, तो आपको नीचे की तरफ से जो है वो जाना है या फिर लेफ्ट से ऊपर की तरफ जाना है। अब डिपेंड करता है कि आपको क्लॉकवाइज बोला गया है या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोला गया है। अब क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है, जिस दिशा में घड़ी चलती है। तो जैसे कि आपको पता है घड़ी यहाँ पे 12 बजेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, तो घड़ी जो है वो कुछ इस दिशा में जो है वो चलेगी, उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, और इससे बिल्कुल विपरीत दिशा, घड़ी की अपोजिट जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम बोलते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहता है, और ये बीच का जो एंगल है, अगर सिंगल एक एंगल को अगर हम मेजर करें तो 45 डिग्री का एंगल ये रहता है। तो जैसे कि अगर मैं इसी चीज़ में आपको यहाँ से बताऊँ कि मैं राइट से जो है यानी कि मैं ईस्ट दिशा में खड़ा हूँ और मैं 90 डिग्री गया घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो मैं कौन सी इस पॉइंट पे आ गया, तो कौन सी दिशा आ गई, साउथ आ गई। अगर अब मैं बोलूं कि मैं 45 डिग्री जो है वो वापिस आया यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आया, तो साउथ से मैं क्या करूंगा, वापिस आ जाऊंगा, साउथ से मैं वापिस आ जाऊंगा इस दिशा में, तो इस दिशा में मैं खड़ा हो गया, तो दिशा कौन सी आ गई, साउथ ईस्ट आ गई। साउथ का मतलब है दक्षिण और ईस्ट का मतलब है पूर्व, तो दक्षिण पूर्व या फिर साउथ ईस्ट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को, साथ साथ में जो भी क्वेश्चन में हमारी ट्रिक्स यूज होंगी या जो भी मैथड यूज होगा वो आपको उसी क्वेश्चन के साथ जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, एक पोस्टमैन अपने डाकघर से साइकिल पर निकलता है, ठीक है जी, एक कोई डाकिया है वो साइकिल पर जाता है, वह साइकिल से दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर जाता है। तो आप पहले क्या कर लीजिए, एक कोई पॉइंट डिनोट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट जो है वो डिनोट
कर लिया, ये इसका कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है जी, अभी यहां से गया ये दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, 7 किलोमीटर बना लिया दक्षिण की तरफ। दक्षिण का मतलब क्या है, आपको जब भी क्वेश्चन करना है तो आपको ये 4 डायरेक्शन पहले ही बना के रखनी है आपके हिंट के लिए। क्यों, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को करेंगे। क्योंकि अगर आप अभी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल जो है वो आएगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो इसके साथ में आप लिख लीजिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो आपको फिर प्रॉपर वे में पता हो जाएगा। देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है, दक्षिण की तरफ कितना गए, 7 किलोमीटर। तो दक्षिण कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो मैं नीचे आ गया 7 किलोमीटर। ठीक है जी, आगे क्या बोला, मैं पश्चिम की तरफ मुड़ता है। अब पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये वाली दिशा। ठीक है, यानी कि इससे बिल्कुल इस, ये वाली जो दिशा है ये कौन सी है, पश्चिम दिशा। ठीक है जी, पश्चिम की दिशा में मुड़ा और कितना गया, 5 किलोमीटर गया। ठीक है जी, 5 चला गया। फिर बोला गया, फिर उत्तर की तरफ गया और 6 किलोमीटर गया, कितना गया, 6 किलोमीटर। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां से जब वो चला था तो नीचे पहले 7 किलोमीटर गया, अब मेरे को बोला 6 किलोमीटर मेरे को जाना, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से यहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन ध्यान में देने वाली बात क्या है कि ये वाली जो मैंने यहां पे डॉटेड लाइन खींची है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, बराबर है, यानी कि 7 है। अब मेरे को बोला गया कि जब मैं इस पॉइंट से गया हूं, ऊपर की तरफ गया हूं, तो कितना गया हूं, 6 किलोमीटर। देख, लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहां से लेके इस पॉइंट तक तो 7 किलोमीटर है, यानी कि मैं कहां तक जाऊंगा, सिर्फ सिर्फ इसी पॉइंट तक यहां पर जाऊंगा। तो मैं इसको इसी पॉइंट तक क्या कर लूंगा, डिनोट कर लूंगा। यहां से गया मैं, 7 नहीं जाना मेरे को 6 जाना, तो मैं थोड़ा सा कम रखूंगा, यहां तक मैं चला गया 6 किलोमीटर। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया आपको। आगे बोला, साइकिल वो चलाता है और फिर वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ता है, यानी कि राइट साइड। तो देखिए, आप यहां पे खड़े हैं, आपका राइट साइड कौन सा होगा, आपका फेस फ्रंट की तरफ है, आप अपने राइट साइड को लेके चलिए, तो मेरा राइट क्या बनेगा, ये वाली दिशा बनेगी और कितना जाऊंगा मैं, 5 किलोमीटर जाऊंगा। तो देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है, तो ऊपर से भी यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, 5 ही आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। यहां पे वो इस पोजीशन में खड़ा है और इस दिशा को देख रहा है, कौन सी दिशा, अब आप देखिए, ईस्ट की तरफ, यानी कि पूर्व की दिशा में वो देख रहा है। तो देखिए, पूछा क्या गया है, अपने डाक घर से वो अब कहां पर है, यानी कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से लेके वो यहां पे इस टाइम खड़ा है, तो ये पहले तो डिस्टेंस देखिए। ठीक है, डाकघर से बताना है, नीचे की दिशा में है, यानी कि साउथ डायरेक्शन आ गई, और कितना गैप है डिस्टेंस का, ये जो टोटल है ये 7 किलोमीटर है और ये जो है वो 6 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 1 किलोमीटर का बचा, यानी कि साउथ दिशा में है 1 किलोमीटर, दक्षिण में है 1 किलोमीटर। तो दक्षिण में है 1 किलोमीटर, ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया है। अभी बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग है, तो इसलिए जो हमारा पहला पार्ट रहेगा इस डायरेक्शन के चैप्टर का, वो बिल्कुल स्लोली स्लोली हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड रखेंगे, क्योंकि रीजनिंग में जो आपकी डायरेक्शन का चैप्टर आता है वो बिल्कुल ईजी है, उसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं वो आपके। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है। ठीक है जी, कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप, उसको 100 किलोमीटर तक उड़ाइए। ठीक है, पश्चिम की दिशा में आपको जाना है। मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है जी, यहां पर पॉइंट ले लिया, यहां से कितना गया, पश्चिम की दिशा में गया, कितना, 100 किलोमीटर, ये इसका स्टार्टिंग का पॉइंट है, ऐसे लिख लिया मैंने। उसके बाद बोला, दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना गया, 150 किलोमीटर गया। अब दक्षिण, दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि साउथ, यहां से चला गया नीचे की तरफ, कितना गया, 150 किलोमीटर गया। ठीक है जी, आगे है, अब वो पश्चिम की ओर मुड़ता है और 300 किलोमीटर जाता है, फिर से पश्चिम की तरफ गया, यानी कि इसी डायरेक्शन में गया, कितना गया, पश्चिम यानी कि वेस्ट। यहां से आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये जो है वो वेस्ट है,
नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, तब आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। अब कितना गया ये, 300 किलोमीटर गया, ठीक है जी, 300 आगे चला गया। अब बोला अपनी दाईं तरफ मुड़ता है। अब आप देखिए, अब आपकी दिशा जो है वो इस दिशा में, आप खड़े होके देखिए कि आपका जो चेहरा है वो इस दिशा में हो, तो आपका राइट हैंड कहाँ पे आएगा, इस तरफ, और लेफ्ट आएगा इस तरफ। और अब बोला है वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड मुड़ता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब जाएगा कितना, 150 किलोमीटर जाएगा। अब देखिए 150 आपको ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देना है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 150 है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट तक कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा आपके पास 150, तो ये ऊपर वाला आपका कैंसिल हो जाएगा और इस पॉइंट पे विमान जो है वो आपका क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट पे खड़ा हो गया ऊपर की दिशा में, उत्तर की तरफ वो देख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं फिर से कर देता, यहाँ पर वो ऊपर की दिशा में इस बी पॉइंट पे खड़ा हो गया 150 किलोमीटर। अब बोला है मैं प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, प्रारंभिक का मतलब होता है स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग से कौन सी दिशा बन रही है, ये देखिए एरो देखिए कौन सी दिशा बन रही है, ये इस तरफ एरो बना है, इस तरफ, तो देखिए कौन सा एरो है, ये वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम वाला ऑप्शन कौन सा है, एक तो सी और एक बी। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अब डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक तो हो गया 100 किलोमीटर, और उसके आगे कितना है, ये है आपका 300 किलोमीटर, तो 300 और 100 यानी कि 400 किलोमीटर दक्षिण, सॉरी 400 किलोमीटर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक लेवल से थोड़ा सा अप किया है यहाँ पर, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा जो है वो यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो किया है, बिल्कुल 10th लेवल के क्वेश्चन से थोड़ा सा अप किया है। ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है जी, एक कोई पॉइंट ले लेना आपने, वहां से ए और बी को आपने दौड़ाना है। उसके बाद बोला ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर तक दौड़ता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक दौड़ता है, ठीक है जी। एक पॉइंट ले लीजिए कोई भी आप, ठीक है, आपने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये आ गया, एक पॉइंट ले लिया आपने, ये वाला, ठीक है, यहां पर ए भी खड़ा है, बी भी खड़ा है। बोला ए जो है वो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है, अच्छा इस तरफ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ लेते हैं हम, मैंने इस तरफ ले लिया ये, ठीक है, यहाँ पर ए भी खड़ा है, बी भी खड़ा है, ये क्या करेगा, पश्चिम की तरफ गया, कितना गया, ये गया 3 किलोमीटर, यह पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर गया, कितना गया, 5 किलोमीटर, दक्षिण यानी कि नीचे, तो नीचे की तरफ चला गया ये, कितना गया, 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब वो अपनी दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर गया। अब देखिए मैं नीचे की तरफ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा फेस किस तरफ है, नीचे की तरफ है, आप अपने आप को क्या कीजिए, इसको नीचे की तरफ खड़ा करके देखिए, ठीक है। अब आपका राइट कहाँ पे है, इस तरफ आएगा, राइट आपका आएगा इस तरफ, तो इस तरफ जाना है, कितना गया है वो गया है 7 किलोमीटर, कितना गया, 7 किलोमीटर गया, ठीक है जी, तो इस तरफ चला गया वो, कितना, 7 किलोमीटर। अब 7 किलोमीटर गया और रुक गया, ठीक है। अब बी दक्षिण में 1 किलोमीटर जाता है, अब कौन जाएगा, बी, अब ए तो यहां पर पहुंच गया, ए ने तो यहां पर अपनी जर्नी खत्म कर दी, अब कौन जाएगा, अब जाएगा बी, क्योंकि बी तो अभी भी उसी स्थान पे खड़ा है, तो बी ने यहां से चलना क्या किया, शुरू किया, दक्षिण में गया 1 किलोमीटर, ठीक है, यहां से नीचे तक जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही वो जाएगा, ठीक है, 1 किलोमीटर गया, फिर अपनी दाई ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया राइट साइड, ठीक है, दाई ओर, यानी कि 3 किलोमीटर तो ये आ गया उसका, 3 किलोमीटर ये आ गया इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक, 7 किलोमीटर फिर से जाएगा, इसका मतलब है बिल्कुल ए के बराबर में क्या हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है, यानी कि ये 7 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, 7 × 3 = 10। अब बोला क्या गया कि अब आपको बताना है ए की स्थिति से अब बी कहाँ पर है, यानी कि ए से बताना है आपको, ए से,
अब आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, ये है ए, ये है बी। ए से देखिए, ए से बी जो है वो ऊपर है, यानी कि किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है, यानी कि उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा वाला ऑप्शन कौन सा है, एक तो बी एक सी, तो होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। अब आपको बताना है डिस्टेंस कितना है। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, ये वाला डिस्टेंस ये आपको पता है, ये 1 किलोमीटर है और ये टोटल कितना है, 5 है। 5 में से इस वाले एरिया को हमने खत्म कर दिया, 1 किलोमीटर था, तो ये वाला एरिया कितना बच गया, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आपने नोट्स जो हैं वो साथ साथ में बनाने हैं, तभी आपके जो जितने भी डाउट हैं वो उसी टाइम जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी आप इसको फास्ट अपने तरीके से कीजिए, कोई भी दो पॉइंट सॉरी एक पॉइंट आप ले लीजिए। ठीक है जी, मैंने जो है वो ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। पी और क्यू यहां पर जो है वो खड़े हैं, क्या बोला गया, पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर गया, ऊपर की ओर चला गया, ठीक है जी, ऊपर की ओर भेज दिया कितना, 18 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो अपने दाएं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि राइट साइड मुड़ा वो, ठीक है, और कितना गया, वो गया 3 किलोमीटर, ठीक है जी, वो 3 किलोमीटर चला गया, ठीक है। आगे क्या बोला गया, क्यू जो है वो पूरब की ओर जाता है 9 किलोमीटर। अब जो क्यू है वो पूरब की ओर जाएगा 9 किलोमीटर, यानी कि इस दिशा में जाता है वो 9। अब यहां तक जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला जो इसका डिस्टेंस है, ये जो मैंने हल्की सी लाइन ड्रॉ की, ये डिस्टेंस इसका 3 किलोमीटर, इसको जाना है 9 किलोमीटर तक, तो ये यहां तक जाएगा, फिर यहां तक चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि यहां पर जो वो पी खड़ा हो गया है, उसके बाद उत्तर की ओर गया वो और 10 किलोमीटर गया, ठीक है जी, यहां से चला जाता है वो कितना, 10 किलोमीटर जाएगा, यहां तक चला गया, क्योंकि ये सामने वाला डिस्टेंस 18 है, थोड़ा सा कम ही रखेंगे हम। उसके बाद बोला फिर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ा और 6 किलोमीटर जाएगा, तो यहां तक जो है वो अपना डिस्टेंस, कवर करेगा इस पॉइंट तक। क्यों, क्योंकि ये नीचे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 है, ये नीचे डिस्टेंस 9 है, यहां से आप इसका पता कर सकते हैं, ये डिस्टेंस 3 है और ये 6, तभी कितना बना, ये बना 3 और 6 9। अब आपको P की स्थिति से बताना है, Q कहां पर है, P से बताइए, P से देखिए नीचे की तरफ है, यानी कि साउथ की दिशा में, दक्षिण दिशा में, और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सामने देखिए कितना डिस्टेंस है, 10, और ये टोटल है कितना, 18 है, तो 18 में से 10 चला गया, यानी कि 8 किलोमीटर दक्षिण, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक लड़का जो है 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, ठीक है, एक कोई लड़का है पूर्व की ओर जाता है, यहां से मैंने एक पॉइंट बना लिया, पूर्व की ओर चला गया, कितना गया जी, 20 मीटर चला गया, ठीक है, फिर दाएं ओर मुड़ा, 10 मीटर दौड़ता है, दाएं यानी कि राइट, तो राइट किस तरफ आएगा, आप चेहरा अपना इस दिशा में कीजिए, इस एरो की तरफ कीजिए और फिर राइट देखिए, तो राइट आपका नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा, 10 किलोमीटर वो जाता है या 10 मीटर वो गया, फिर से वो राइट मुड़ा, फिर से राइट मुड़ा, तो राइट जब आप अपना चेहरा इस एरो की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, तो आपका राइट क्या बनेगा, ये बनेगा, और कितना गया वो, अब 9 किलोमीटर गया, तो यहां पर मैंने पहुंचा दिया उसको। फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, बायां किस तरफ आएगा उसका, बायां यानी कि नीचे की तरफ आएगा अब उसका, ठीक है, बायां यानी कि लेफ्ट, तो नीचे की तरफ आ गया, कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। फिर बाएं मुड़ा, उसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ा और कितना गया, 12 मीटर गया,
फिर से बाएं मुड़ के 12 मीटर गया बाएं इस तरफ, यहां से यहां तक तो आ गया 9 किलोमीटर, और 9 से 3 और आगे जाएगा तो टोटल कितना 12 हो गया। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ा अंत में और 6 किलोमीटर गया, वो अब कितना गया 6 किलोमीटर गया, तो ऊपर की तरफ जाएगा। यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस 5 का है, थोड़ा सा ऊपर और जाएगा 6 तक, यहाँ पे पहुंच गया। अब बोला गया उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है, तो देखिए डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ दिशा आपको बतानी है, दिशा बतानी है यानी कि एरो किस दिशा में है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा, उत्तर दिशा या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्थ दिशा, तो डायरेक्शन कौन सी, उत्तर दिशा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आए हैं, जल्दी ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेके आएंगे। सो विजयपथ एजुकेशन के आप साथ साथ आप बने रहें, साथ में आपको इसकी जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी आप वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। जल्दी ही मैं नई क्लास के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।